हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो हम यहाँ पर लेके आए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपका जो इंडियन सिक्योरिटी पेस के द्वारा जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी हुआ, आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपको क्वेश्चन कहाँ पर हो सकता है, सो इसी के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में बोल देंगे। सो आप प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखिए और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है तो उसको जरूर सपोर्ट करना। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से लोग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और वीडियो के साथ हर रोज आप लोग जुड़े रहना। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। तो पहले आप सब यहाँ पर देख ही सकते हैं आपका जो यहाँ पर जारी हुआ इंडियन सिक्योरिटी पे जो नासिक में स्टूडेंट्स में है, सो यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन W1 लेवल के द्वारा आपके ऊपर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। सो यह पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, सो इस पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन में थ्रू। अदर किसी भी मोड पर आप लोग अगर नहीं अप्लाई कर सकते, उसको आप लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी ऑनलाइन वेबसाइट जाके आपको क्रिया पेज जाके आपको अप्लाई करना होगा। चलते हैं क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है वो देखते हैं। चलिए पहला आपका जो डेट आपको जारी हो गया है आपका जो 8 अक्टूबर से लेकर आपका 8 नवंबर आपका लास्ट डेट रहेगा आपको अप्लाई करने का। सो यह बार पेमेंट का भी वो डेट दे दिया आपको, आप लोग को अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको पेमेंट कर देना होगा, सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को बाद में कोई भी आप लोग भूल सकते, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग टेंटेटिवली भी डेट यहाँ पर दे दिया है, आप लोग कभी आपको सिलेक्टेड सीट सब एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पर दिसंबर जनवरी आपका वहीं पर हो सकता है। सो ये तो आप देख ही सकते हैं कब आपका एग्जाम सीट पर है। सो ये आपका 10 टेबल जारी हो गया है आपका जो एग्जाम कब हो, ठीक है। तो चलते हैं नीचे मेन इंस्ट्रक्शन के साथ। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए W1 कैटेगोरी यहाँ पर आप लोगों के जो ट्रेड दे दिया है जूनियर टेक्नीशियन का, वो वेरियस जो यहाँ पर ट्रेड है आप लोग देख सकते हैं। पहला आपको जो जूनियर टेक्नीशियन आपका जो पोस्ट है, सो यहाँ पर आपके आपके लिए नंबर से 30 पोस्ट है और यहाँ पर क्या क्या सैलरी वो मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को 18,000 से लेकर आप लोगों को 67,000 सैलरी आपको मिल सकते हैं। सो लगभग आप लोगों के लिए आप लोगों के 30 और 40,000 सैलरी आपको मिल जाएगा लगभग, जो अच्छी सैलरी आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा जो वो सीट कैसे आपको रिजर्व हो रहा है ये भी आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो एस सी का 4 सीट रहेगा और ST में 2 सीट रहेगा और OBC में 7 सीट रहेगा, EW से 13 सीट और RNC में 14 सीट। तो ये वो सीट आप लोग देख सकते हैं, मैं सिर्फ पहला ही मैं पता रहा हूँ, ठीक है, बाद में आप लोग तो देख सकते हैं। तो दूसरा है आपका जो जूनियर टेक्नीशियन जो कंट्रोल में है, सो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 38 W का नंबर ऑफ पोस्ट दे दिया है, सब कुछ आपका सेम है। दूसरा है आप लोगों के जो जूनियर टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन सपोर्ट डिजाइन है, सो यहाँ पर उसे वो 2 ही सीट आप लोग देख सकते हैं, 2 ही आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका आता है। उसके बाद जो जूनियर टेक्नीशियन आपका जो मशीन आपका जो शॉप है, सो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सिर्फ 4 ही सीट है, 4 ही आपको अनरिजर्व में आपका आता है। दूसरा है आपका जो इलेक्ट्रिकल के द्वारा, सो यहाँ पर भी आप लोगों के सिर्फ 2 ही है, यहाँ पर भी आप लोगों से आंसर में आपका आता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों जो आंसर में 2 ही आता है। उसके बाद आपका जो जूनियर टेक्नीशियन स्टोर है, सो यहाँ पर भी आप लोगों से 2 ही सीट आता है, 2 ही आपका आंसर में आपका आता है। उसके बाद आप लोग जूनियर टेक्नीशियन CSD है, सो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए 5 सीट रहेगा, यहाँ पर 1 रहता है आपको OBC के लिए और 4 आता है आपका अनरिजर्व के लिए, टोटल आपका 5 सीट का हो गया, ठीक है। और अब इंस्ट्रक्शन PW के बाद 8 सीट आपको पोस्ट रहेगा, फॉर एक्सएमएसमैन के बाद पोस्ट पर रह जाएगा, इसमें 8 सीट और PW सब आपका 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगा, ठीक है। और चलते हैं जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, पहले मैं आपको लिए बताना चाहता हूँ आपका जो वैकेंसी जारी होगा आपका 10 टेबल है, आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दे दिया है 10 टेबल आपको इंग्लिश इंग्लिश से देख सकते हैं। आप लोग प्लीज उसी के बारे में मत सोचिए कितना वैकेंसी दिया है, ठीक है, कितना नहीं दिया है। आप लोगों को एक दिन भी आपको वैकेंसी निकला सको अच्छी चीज़ है। मैं आप लोग एक कहानी बोलता हूँ, मेरे एक दोस्त था, उसने भी ऐसा था रिक्रूटमेंट जारी हुआ होता है, तो डिफेंस का सिविलियन का पोस्ट निकला था, पर उसने उसने देखा वो उसने जो पोस्ट पे अप्लाई किया था उसमें सिर्फ 1 ही सीट था, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम था, 1 ही सीट था ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा और ज़्यादातर डिफेंस के एग्जाम ऑफलाइन ही होता है। तो यहाँ पर किसने नहीं सोचा था 1 सीट है मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो एक और एक दो दोस्त थे और 2 ही दोस्त सफर गया था, एक दोस्त का हो गया और एक दोस्त का नहीं हुआ था, ठीक है, और तुम लोग नहीं करोगे और 2 ही लोग गया था एग्जाम देना, कोई नहीं है पर एग्जाम नहीं देने गया था,
ठीक है, बाद में एक ने तो दे दिया, बाद में जब उनका बाद में रिजल्ट निकला था तभी अपन दे दिया, और एक्सिट भी टेंटेटिवली करके दे दिया था एक्सिट, और दोनों ही दोस्त के पर नौकरी लग गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ जब वैकेंसी निकले आप लोग उसी के बारे में मत सोचिए, वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो बाद में देखा जाएगा। जो एक भी तो है, एक भी आप ला सकते क्या नहीं ला सकते, आपको उस देख के आपको एग्जाम देना पड़ेगा प्लीज। तो चलते हैं, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो एक्सिबिशमैन वगैरह वगैरह जो भी है आप लोग देख सकते हैं। तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेगा वो जो इंडियन सिक्योरिटी पे जो नासिक रूट में है, सो यहाँ पर जो महाराष्ट्र में है, सो यहाँ पर जो ट्रांसफर इन यहाँ पर रिक्रूटमेंट बाद आपका एनी ट्रांसफर एनी यूनिट में हो सकता है, देवास दिल्ली नोएडा मुंबई कोलकाता एज पर रिक्रूटमेंट कंपनी के मुताबिक आपको हो सकता है। और आपको सिलेक्टेड वर्क द 8 आवर्स ऑफ पार्ट डे काम करना होगा, 6 डेज अ वीक द वर्किंग डेज ऑफ 48 आवर्स पर वीक, और दे विल नॉट हैव एनी क्लेम द ओवर टाइम बिलिंग इंसेंटिव सेम्स। जब आपको ओवर टाइम मिले तभी आपको अलग से ओवर टाइम की कोई वो मांग नहीं कर सकते। और जो पहले से कह रहा है सेंट्रल स्टेट में जो पीएसयू में कॉर्पोरेशन में काम करता है, सो उन लोगों के यहाँ पर 9 ऑप्शन सर्टिफिकेट उनको उनको देना पड़ता है जो पहले से काम करते गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नीचे। नीचे जो इंस्ट्रक्शन पर दिया है फॉर जो डिस्प्यूट जुडिशियली शेल बी नासिक सिटी ओनली। चलते हैं जो क्वालिफिकेशन के बारे एजिंग के बारे में, पहला जो आपका है पहला आपको 18 साल से लेकर यहाँ पर आपको 25 से 20 में आपको यहाँ पर एज लिमिट क्राइटेरिया आपको होना पड़ेगा। पहला जो आपका जूनियर टेक्नीशियन है, सो यहाँ पर भी आपको सब कुछ आपको सेम वगैरह है आप इसे देख सकते हैं। और अलग से SC ST को भी 5 साल का अपार छूट मिल जाएगा, OBC को भी 3 साल का छूट मिल जाएगा, PW 10 साल का छूट मिल जाएगा, 1 साल का छूट मिल जाएगा, जो डिपार्टमेंटल है उनको भी ऐसा छूट मिल जाएगा। सो उसकी चिंता तो मत कीजिए। पहला आपका जो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर है उनका फुल टाइम ITI उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, उनको सर्टिफिकेट NCVT SCVT के द्वारा उनको पर है रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। एंड प्रिंटिंग ट्रेड वाइज लिथो ऑफसेट मशीन विंडर लेटर प्रेस मशीन विंडर जो भी है हैंड प्रिंटिंग वगैरह, नहीं तो आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना है फुल टाइम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टिटी क्वालिटी तो यार एक बार एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा जो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में, सो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए फुल टाइम ITI कंप्लीट करना पड़ेगा रेगुलर यूनिवर्सिटी से NCVT SCVT द्वारा, अगर देख सकते हो कंट्रोल के द्वारा प्रिंटिंग ट्रेड जो भी आप लोग देख सकते, नहीं तो आपको डिप्लोमा प्रिंटिंग में कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा बार जूनियर टेक्नीशियन आपको टेक सपोर्ट डिजाइन में है, सो यहाँ पर आप लोगों के फुल टाइम आप लोगों के फुल टाइम आपको ITI कंप्लीट करना पड़ेगा इनग्रेवर एंड प्लेट मेकर में एंड लिपोग्राफिक ट्रेड में NCVT SCVT के द्वारा। दूसरा जो मशीन शॉप के लिए भी ITI कंप्लीट करना पड़ेगा इस फीटर ट्रेड में, और इलेक्ट्रिशियन के लिए वो इलेक्ट्रिशियन में आपको आपको ITI कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक में आपको सेम है आपको सभी उनका ITI कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो CHD में भी आपको फिटर या ट्रेड स्टोर में फिटर करके आपको ITI कंप्लीट करना पड़ेगा। कई बार एकदम से फीस के बाद दे दिया है आपको एक बार ₹600 का पेमेंट करना पड़ेगा जो अनरिजर्व EWS OBC पर है उनके लिए, और जो SC ST फिजिकल चैलेंज एक्स सर्विसमैन वगैरह PWD है सो उनके लिए बार ₹200 देना पड़ेगा, और जो टैक्स वगैरह लगता है पेमेंट करना है वो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। जो बार इंस्ट्रक्शन आपको प्रोबेशन पीरियड आपके ऊपर रहेगा, आपको एक साथ प्रोबेशन पीरियड पर रहेगा, आपको एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सीट कैंसिल अपॉइंटमेंट एलिजिबल अलॉटमेंट क्वार्टर वगैरह कॉम्बाइन सब कुछ जो गवर्नमेंट को जो फैसिलिटी मिल जाए वो सब कुछ आपके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, पहला आपको ऑब्जेक्ट टाइप एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा भी आपको लिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पहला जो टेस्ट है वो ऑब्जेक्ट टाइप का, फिर अगर आपके लिए जो प्रिपरेशन नॉलेज फील्डिंग वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए हो जाएगा, सब कुछ जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग क्वानिटेटिव मतलब 120 मार्क्स का आपको लिया जाएगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हैं, आपको जनरल EWS का क्वालिफाइड मार्क्स 50% होगा आपका, OBC का भी आपका 40%, SC ST का 45% आपका मार्क्स पर रहेगा। अब देन नो नेगेटिव मार्केटिंग भी है, जो जो नेगेटिव मार्केटिंग है अभी आप देख सकते हो। और सर द रिटन एग्जामिनेशन सिटी आपको नासिक कोलकाता हैदराबाद भोपाल दिल्ली मुंबई होंगे, इन 6 सिटी में आपका एग्जाम भी आपका सिटी आपको परफेक्ट है, सो इसी के ध्यान दे मत लगते आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कॉल लेटर इसी वेबसाइट में जाके आपको कॉल लेटर वगैरह अप्लाई आपको डाउनलोड करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्लाई करने के टाइम वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना होगा, तो उसी में होगा पूरा इंस्ट्रक्शन आपका आएगा जो नीचे भी है, आप उसे देख सकते हैं वगैरह कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना होगा, क्या क्या आपको सब कुछ आपको देना होगा, फुल प्रोसेस एक बार पीडीएफ में आपको दे दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफ वगैरह ओरिजिनल भी आपको जब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पूरा ओरिजिनल आपको एक बार ले जाना होगा, पूरा एक बार इंस्ट्रक्शन पीडीएफ में है जारी है, आप लोग ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, सो पीडीएफ और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। वीडियो कैसे लगा कमेंट करना जरूर बताएं, और अगर कुछ भी एनी अदर वीडियो पे डाउट होता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताना, हम रिप्लाई करते हैं। ठीक है, और वीडियो को दूसरे साथ भी शेयर करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को जॉब इंटर हर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन करना, उस चैनल के बिल आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चले मैं आप चलता हूँ, सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, सब जरूर ध्यान से फॉलो करते हैं, चलिए गुड बाय।